जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर फर्स्ट अनुपात समानुपात अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 6 तक का अध्ययन कर लिया है, यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा 7। दोस्तों अभी तक आप सभी को टोटल 41 प्रश्न प्रोवाइड किए हैं, यानी दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों प्रश्न संख्या कौन सी होगी 42। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कितना है 42। दोस्तों आज की क्लास में सिक्कों पर आधारित प्रश्न कराएंगे, बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है और दोस्तों सिक्कों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर तक के पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों अभी तक जितना भी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आप सबको सीखना चाहते हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे, और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक दोस्तों चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 42। दोस्तों आप सभी मित्र इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर कर दीजिए, आपकी जब संख्या बढ़ती है तो मेरा भी मन अच्छा हो जाता है और मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छा से अच्छा मैटर देने का प्रयास करूं, क्योंकि जब आपकी संख्या बढ़ती है तो मेरा मन गदगद हो जाता है कि हाँ वास्तविकता में हमारे भाई बंधु हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं सीखना चाहते हैं, तो इसलिए दोस्तों संख्या बढ़ाते रहे और जब आप संख्या बढ़ाएंगे दोस्तों पढ़ाने में खूब मजा आने वाला है। ठीक है इसलिए दोस्तों संख्या जरूर बढ़ाइए। देखिए दोस्तों प्रश्न कह रहा है 42 नंबर, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए, हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए या बताइए। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। आपसे कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 2:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:5 है तो हमें दोस्तों ए बी और सी का रेशियो चाहिए, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान चाहिए। कैसे करेंगे दोस्तों ध्यान समझिएगा, दिया है ए रेशियो बी बराबर 2:5 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 3:4 एंड हमें फाइंड क्या करना है ज्ञात क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा, दोस्तों ए बी सी चाहिए तो ए लिख लीजिए, कुछ दूरी पर बी लिख लीजिए, कुछ दूरी पर सी लिख लीजिए। ठीक है ए दोस्तों ए बी सी लिख लिया, अच्छा चूंकि स्मॉल है नहीं यहां हमें क्या कैपिटल में लिखा है, ठीक है स्मॉल यहां ए अनुपात बी 2:5 है, बी अनुपात सी 3:4 है तो ए बी सी स्मॉल करिए, क्योंकि यहां स्मॉल है तो स्मॉल ही में तो ज्ञात करेंगे, तो यहां ए रेशियो बी रेशियो सी तो यहां भी स्माल ही कर लीजिए, ये सब स्माल ही होगा, यदि कैपिटल में लिखा होगा तो आप कैपिटल में लिखेंगे, स्माल में लिखा होगा तो स्माल में लिखेंगे। ठीक है तो ये चीज को बहुत ही जरूर ध्यान दीजिएगा, यदि कैपिटल में लिखा तो कैपिटल में, स्माल में लिखा तो स्माल में। चलिए दोस्तों यहां ए हो गया, यहां बी हो गया, यहां पर सी हो गया। ठीक है ए देखिए कितना दे रखा 2 तो 2 लिख लिया, बी दोस्तों कितना देख रहा 5 तो 5 लिख लिया। ठीक है फिर देखिए बी कितना है 3 है तो 3 इस बी के नीचे ही लिखेंगे, यहां पर 5 के नीचे ही लिख लेंगे। उसके बाद सी कितना है 4 उसको यहां पर लिख लिया, कितना काम कर लेंगे कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा यहां पर एक खाना ये खाली हो गया, एक खाना दोस्तों यहां पर ये खाली है,
ठीक है, ये लाइन खींच दिया हमने, मैंने यहाँ ये क्यों बना दिया दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ नंबर चाहिए, कोई ना कोई हमें नंबर यहाँ से चाहिए दोस्तों। यहाँ पांच है, तो जो नंबर इस खाने के जस्ट पहले होगा वही नंबर इस खाने में हम फिल कर देंगे, यानी कि पांच हो जाएगा इसके जस्ट। क्या यहाँ देखिए, यहाँ कोई का इसके नंबर इधर तो कोई है नहीं नंबर, इसलिए इस नंबर को लेंगे, इस नंबर के पड़ोस में ये खाना, इसलिए तीन। मतलब उसी लाइन में जैसे ये दो पांच इसी लाइन में खाना खा लिए, तो इसके इस खाने के पड़ोस में जस्ट जो नंबर होगा उसी नंबर को यहाँ फिल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये खाना खा लिए, इसके पड़ोस में ये तीन था इसलिए तीन को फिल कर लिया, और इनकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से। कैसे करेंगे, दो तीन छः, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये आपस में ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दो तीन छः हो गया हमारा रेशियो। अच्छा यहाँ ए अनुपात बी, तो ए रेशियो ए छः हो जाएगा, पाँच ये पंद्रह हो गया, अनुपात पाँच चक्कू बीस हो गया। तो दोस्तों ये हमारा अनुपात आ गया, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ए बी सी, अब देखिए किसी से कटेगा तो है नहीं, तो क्या लिखेगा आता है फाइनल आंसर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आता है ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना, छ रेशियो पंद्रह रेशियो बीस, छ रेशियो पंद्रह रेशियो बीस, तो ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये भी तरीका दोस्तों आसान है, बस आप अच्छे से इसको देख लीजिए। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, प्रश्न संख्या 43। ये कह रहा ए रेशियो बी पांच अनुपात दो तथा बी रेशियो सी है तीन अनुपात सात, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताइए। जैसे इसको किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न संख्या 44 देखते हैं, इसको डाल दें। चौवालीस नंबर दोस्तों क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है 2a बराबर 3b बराबर 5c हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान बताइए या ज्ञात कीजिए, का मान बताइए। देखिए कैसे करेंगे, ये भी दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न को दोस्तों कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, और दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आपको समझ में आ रही है जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप अच्छे समझ रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर कर दें। चलिए क्या कह रहा है, 2a बराबर 3b बराबर 5c हो गया, ठीक भैया ये हमें दे रखा है दोस्तों, ये जो हमें दे रखा है मान लेंगे, माना क्या मानना है हमें, माना इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले मैं इसको जैसे पेपर में करना वैसे कराता हूं, फिर साठ टिक, बाई चांस यही क्वेश्चन यदि एक नंबर में आ जाए तो हम कैसे करेंगे, इसके लेकिन पहले इसको हम लॉन्ग तरीके से कराते हैं। इसको मान लेते हैं के बराबर है, क्या मान लेते हैं, 2a 3b और 5c की वैल्यू के बराबर है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 2a 3b के बराबर, 3b 5c के बराबर, 5c के बराबर, यानी कि ये सब चारों आपस में बराबर है, k एक नेतांग है, निश्चित वैल्यू हमने मान ली k। तो दोस्तों देखिए हाँ समझिए, जब ये चारों आपस में बराबर है तो 2a बराबर k भी तो हो सकता,
होगा कि नहीं होगा, तो 2a बराबर k होगा, तो यहां से a बराबर कितना हो जाएगा, k बाई टू हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, k बाई टू हो गया, क्लियर हो गया। b देखिए, इसी प्रकार 3b बराबर कितना हो जाएगा हमारा, k हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, k बाई थ्री हो गया। एंड ध्यान से दोस्तों देखिएगा, एंड 5c बराबर आपका k हो गया, तो दोस्तों c आ कितना होगा, k बाई फाइव हो गया। ये आपने a की वैल्यू k बाई टू निकाल ली, b की वैल्यू k बाई थ्री निकाल ली, एंड c की वैल्यू k बाई फाइव निकाल ली। अब दोस्तों हमें चाहिए क्या था, a रेशियो b रेशियो c चाहिए, तो दोस्तों वैल्यू पुट कर देते हैं, a बराबर कितना, k बाई टू, तो यहाँ k बाई टू हो गया अनुपात, ठीक भैया। b कितना है, k बाई थ्री, तो यहाँ k बाई थ्री हो गया अनुपात। c कितना है, k बाई फाइव, तो यहाँ k बाई फाइव हो गया, ठीक है। देखिए सब में k k है तो ये कट जाएगा भाई, k यदि हम क्या करें तीनों में k से भाग कर दें तो हमारा गायब हो जाएगा, यानी दोस्तों हमारे पास बचेगा क्या, a अनुपात b अनुपात c, एक बटे दो अनुपात एक बटे तीन अनुपात एक बटे पाँच। ये चीज समझ पाएगी, नहीं समझ, मैं इस अनुपात में यहां भी दोस्तों क्या है, इस तीनों को के से भाग कर दें तो भाई कैंसिल हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, ठीक है, समझ गए कि समझ गए। अब देखिए एक बटे दो अनुपात एक बटे तीन अनुपात एक बटे पांच बचा देंगे। अब दो तीन पांच का एलसीएम ले लेंगे, दो तीन पांच का एलसीएम लेंगे, तो क्या, क्योंकि हमें अनुपात चाहिए ना, तो हर दो कामा तीन तथा पांच का लासा, तो दोस्तों लासा क्या होगा, आप दो तीन पांच का निकालेंगे, तो देखिए सब क्या है यहां पर, दो तीन पांच मल्टीप्लाई कर लें तो पांच या पंद्रह दो ना तीस होगा, और तो कोई हो नहीं सकता, तो तीस लासा हो गया हमारा भाई, निकालना आता कि नहीं, निकाल लेंगे ना इस तरीके से, दो कामा तीन कामा पांच इस तरीके से निकालेंगे ना। देखिए मैं निकाल दे रहा हूं, दो एक कम दो फिर तीन आ गया फिर पांच आ गया, फिर तीन से काटेंगे तो एक तो हो ही चुका, तीन एक कम तीन फिर पांच, और फिर पांच से काटेंगे, तब तक ये प्रोसेस चलता है जब तक लास्ट में एक ना आ जाए, पांच एक कम पांच, तो दो तीया दो तीन छः छः पंजे तीस, तीस तो आएगा। अब ध्यान समझिए तीस से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर एक बटे दो गुणे तीस अनुपात एक बटे तीन गुणे तीस अनुपात एक बटे पाँच गुणे तीस, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। आप ध्यान काट लीजिए, दो एकम दो, दो एकम दो, दो पंचे दस, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन और जीरो हो गया, पांच इक्का पांच छक्का तीस हो गया। तो दोस्तों हमारे पास क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाके पंद्रह अनुपात दस अनुपात छः आ गया। ये तो दोस्तों हमारा लॉन्ग तरीका होगा, शॉर्ट तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपको देखा क्या, अथवा करके देखिए ध्यान से, शॉर्ट तरीका को ध्यान से देखिएगा, टू ए बराबर थ्री बी बराबर फाइव सी। देखिए हमें क्या चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, जब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ए का अनुपात निकालना, तो ए वाले को हम मूच लेंगे और नंबर की मल्टी तीन की मल्टीप्लाई पांच से कर देंगे, तो तीन पचे कितना हो जाएगा, पंद्रह हो जाएगा। ध्यान समझिएगा क्या, जब हमें एक के स्थान ए का मान निकालना है, ए का अनुपात निकालना है, तो ए वाला जिसका अनुपात निकाला उसको बंद कर लेंगे, और जो बी और सी के बीच गुणांक लिखा है, यहां बी के पड़ोस में तीन है सी के पड़ोस पांच, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और बी का निकालना है तो बी वाले को मूच लेंगे। तो जब हम बी वाले को मूचेंगे, देखिए बी वाले को मूचा तो हमारे पास क्या, टू ए फाइव सी बचा जाके, तो दो की मल्टीप्लाई पांच से कर देंगे, तो दो पंचे दस हो गया, तो अनुपात दो पंचे दस हो गया। और दोस्तों जब हमें सी का निकालना है तो सी वाले को मूच लेंगे, बंद कर लेंगे, सी वाले को जब बंद किया तो क्या, ए बचा बी बचा, तो ए के पड़ोस में क्या लिखा, टू, बी के पड़ोस में क्या, थ्री, तो दो तीन छह हो गया, अनुपात छह हो गया। देखिए पंद्रह अनुपात दस अनुपात छह, जो आपने इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद प्राप्त किया, यहां डायरेक्ट आपने प्राप्त किया, यह अथवा तरीका, जब यह आपसे वस्तुनिष्ठ में पूछ ले तब ऐसे लगाएंगे, या आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, सुपर टेट एग्जाम में, सीटेट टेट में, किसी में पूछा जाए तो इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है, कर लेंगे ना। चलिए फटाफट नोट करिए, तो ये दोनों आंसर आपके होंगे, ये तो सात तरीका होगा, समझ गए ना, जिसका मान निकालना है, जिसका अनुपात चाहिए उसको मूच लेंगे, जैसे हमने ए का चाहिए थे यहां पर, तो ए को मूच लिया, और बी सी बचा, तो इसका तीन पच्चीस पंद्रह हो गया,
बी का चाहिए तो बी को मुझ लिया और 2a ए फाइव सी बचा, दो पांच की मल्टीप्लाई 10 किया। सी का चाहिए था तो क्या सी को मुझ लिया, ए बी बचा, ए के पड़ोस में दो, बी के पड़ोस में तीन, दो तीन छह होगा, छह हो गए। है कितना आसान कि नहीं आसान है, कर लेंगे ना। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। अब तो 200 हो जाएगा ऐसा प्रश्न कि नहीं हो जाएगा। चलिए 45 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, यदि 3a बराबर 5b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। जैसे किया वैसे करिएगा और दोस्तों इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं, आपसे कहा था सिक्कों पर से संबंधित प्रश्न आज की क्लास में कराएंगे, तो ध्यान से देखिएगा सिक्कों से दोस्तों आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। सिक्कों से आधारित प्रश्न दोस्तों देखते हैं। चलिए 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से दोस्तों देखिएगा और बहुत ही आसान है। किसी थैली में, किसी थैली में एक रुपया 50 पैसे व 25 पैसे व 25 पैसे, एक रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के, के सिक्के दो अनुपात तीन अनुपात चार के अनुपात में रखे हैं, के सिक्के दो अनुपात तीन अनुपात चार के अनुपात में रखे हैं। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है, यदि थैली में कुल, यदि थैली में कुल 180 रुपये, क्या यदि थैली में कुल 180 रुपये हो तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। 180 रुपये हो तो 50 पैसे के, 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, ध्यान से देखिएगा 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, यह आपसे दोस्तों पूछा है। आपसे कह रहा दोस्तों किसी थैली में एक रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं और किस रेशियो में है, 2:3:4 के रेशियो में, यानी कि एक रुपये के सिक्के 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वह 2:3:4 के अनुपात में है। और यदि थैली में कुल 180 रुपये हों तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। दोस्तों मान लेते हैं कि थैली में एक रुपये के सिक्के बराबर कितने हैं 2x, भाई आपको पता अनुपात निश्चित वैल्यू नहीं होती, उसमें क्या उसके मासा से एचसीएफ से उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो एचसीएफ का मान लेते हैं x है और x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों क्या मानेंगे, माना बहुत ध्यान से देखिएगा, एक प्रश्न यदि आप अच्छे समझ गए तो थैली से कैसा भी प्रश्न होगा इस टाइप का तो आप अच्छे से कर लेंगे। माना थैली में एक रुपये के सिक्के बराबर,
1 रुपए के सिक्के बराबर कितना हो जाएगा भैया, 2x, मतलब 1 रुपए के 2x सिक्के हैं, ठीक है। और फिर क्या मानेंगे, थैली में दूसरे नंबर पर क्या है, 50 पैसे, तो 50 पैसे के सिक्के कितने भैया, 3x हो गया। फिर क्या मानेंगे, थैली में 25 पैसे के सिक्के बराबर के भैया कितना, 4x हो गया। ये तो हमें सिक्कों की संख्या पर सिक्के बता जाएंगे कि 1 रुपए के 2x है और 50 पैसे के 3x हैं, 25 पैसे के 4x हैं। तो ये दोस्तों हमारे सिक्के हैं। हमें x की वैल्यू यदि पता चल जाए, हमें कहीं से x की वैल्यू यदि पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि 1 रुपए के थैली में कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के थैली में कितने सिक्के हैं और 25 पैसे के थैली में कुल कितने सिक्के हैं, ठीक है। और दोस्तों एक बात दे रहे कि थैली में कुल 180 रुपए हैं। तो दोस्तों क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार इसका मतलब क्या है, अच्छा थैली में कुल 180 रुपए है तो 1 रुपए कितने सिक्के, 2x, तो ध्यान समझिएगा 2x हो गया। अच्छा 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3x, ध्यान समझिएगा 50 पैसे के 3x सिक्के हैं। यानी कि दोस्तों हम इसको 50 पैसे के जो सिक्के हैं इसको रुपए में कन्वर्ट कर दें, इस लाइन को समझिएगा, बस यही समझना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं, यही समझना है। थैली में 50 पैसे के सिक्के 3x है, यदि हम थैली में पूछे कि 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, जिस थैली में 50 पैसे के 3x सिक्के हैं, यदि हम कहें इनको कन्वर्ट कर लो रुपए में, तो 50 पैसे के 3x सिक्के होंगे। तो जब रुपए में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो 50 पैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते, यानी कि ध्यान समझिएगा 1 रुपए में 100 पैसे होते, यानी कि 50 पैसा और प्लस 50 पैसे। ध्यान समझिए, जब दो 50-50 के पैसे मिलाएंगे तब 1 रुपया बनेगा, तब क्या बनेगा, 1 रुपया बनेगा। ये बात समझिएगा बहुत ध्यान से, क्या 50 पैसे के 2 सिक्के आपस में मिलाएंगे तब जाके हमारा 1 रुपया तैयार होगा जाके। तो हमें क्योंकि रुपया दे रखा है इसे सबको रुपये में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जब 1 रुपया कितने 2 सिक्कों से तैयार हो रहा है। यदि थैली में मान लेते, ध्यान समझिएगा, यदि थैली में मान लेते कि 30 सिक्के थे, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बहुत गौर समझिएगा तब जाके बात समझ पाएंगे मैं यहां लिखने के जा रहा हूं। यदि मान लेते हैं कि थैली में 50 पैसे के 30 सिक्के हैं, मान लेते हैं थैली में 50 पैसे के 30 सिक्के हैं, तो हम बताएं कि उसी थैली में यदि उन सिक्कों को हम रुपए में कन्वर्ट करें तो कितने रुपए तैयार हो जाएंगे, कितने रुपए तैयार होंगे। जब 50 पैसे के 30 सिक्के हैं तो दोस्तों क्या करेंगे, यदि इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 रुपए मिलेंगे हमें। अच्छा 50 पैसे के 30 सिक्के, ध्यान समझिए 50 पैसे के 30 सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए होंगे, 15 ही रुपए तो होंगे। अच्छा जो रुपयों की, हमने कहा 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का मूल्य कितना, 1 ही तो होगा, इसलिए जो रुपए की संख्या होगी वही उसका मूल्य होगा। यदि 1 रुपए का 1 सिक्का है तो 1 रुपए का 1 सिक्के की मल्टीप्लाई उसे कर दें, 1 की मल्टीप्लाई 1 ही तो प्राप्त होगा। यानी कि उस थैली में पूछे 1 रुपए के सिक्कों में यदि उसको कन्वर्ट करो तो 15 रुपए डालने, 50 वो सिक्कों को निकालकर जो हमारे 50 पैसे के 30 सिक्के थे उनको निकालकर उसके जगह पर 15 रुपए के, 15 रुपए मतलब एक रुपए के 15 सिक्के थैली में डाल दे तो हमारा काम चल जाएगा। यानी हमने 2 से भाग किया, ये 2 कहां से आया, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और 50 है तो इसलिए 50 से इसको भाग कर देंगे, तो 50 एकम 50 50 दूनी 100, यानी इसको क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 3x को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रुपए में कन्वर्ट हो गया। यहां प्लस लगा दिया, फिर प्लस देखिए 25 पैसे के सिक्के कितने, 4x हैं, वही कहानी फिर से, तो 1 रुपए में 100 पैसे और 25 से भाग करेंगे तो 25 एकम 25 25 चक्कू 100 होता है। यानी क्या करेंगे, 4x को यदि हम किससे, 4 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या, ये 25 पैसे जो सिक्के हैं रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही कि नहीं, क्लियर होगी। और इसको दोस्तों हम किसके बराबर कर देंगे, 180 के बराबर कर देंगे, बस इतना ही था इसमें। तो मुझे उम्मीद है समझ पाए होंगे, यदि आपने ध्यान से देखा हो, नहीं समझ में तो एक बार दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। ये दोस्तों पैसे सिक्के जो थे किसमें थे, पैसे में थे, इनको मैंने रुपए में कन्वर्ट किया क्योंकि 50 पैसे हैं और 1 रुपए में कितने 2 50 पैसे सिक्के होंगे इसलिए 2 से भाग कर दिया। 25 पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे इसलिए यहां पे 4 से भाग कर दिया और ये सारा रुपए में कन्वर्ट हो गया, यहां रुपया हो गया। बस सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू लीजिए, फटाक से आपका आंसर आ गया। बस इस लाइन में जो कुछ है दम इसी लाइन में है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए 4 से 4 तो कट गया, 4 एकम 4 4 एकम 4, बाकी जो बचा उसको नोट कर लेते हैं।
2x प्लस 3x बाय 2 प्लस x इक्वल टू 180 हो गया। ठीक है भैया, 2 यहां पर एलसीएम ले लें, जब दो एलसीएम लेंगे इसके नीचे 1 मानेंगे भाई, इसके नीचे 1 मानेंगे, इससे भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 एक कम दो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई उससे 2 से करेंगे तो 4x हो गया, प्लस 2 एक कम दो 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3x हो गया, इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं, तो क्या 1 क्या करेंगे 1 से 2 को भाग करेंगे तो कितना, इसको जब भाग करेंगे हम तो कितना 2 ही तो आएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे x से, तो कितना हो जाएगा 2x हो गया बराबर 180 हो गया। अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद मैं इधर सॉल्व करता हूं, देखिए 4x प्लस 3x 7x प्लस 2x 9x होगा, 9x बराबर दोस्तों कितना हो गया हमारा 3x 4x प्लस 3x 7x प्लस 2x 9x हो गया, और 2 की मल्टीप्लाई 180 से 360 हो गया, x वाला कितना होगा 360 बटे 9, 9 बटे में क्या आया, जो गुणे में होता होगा जाता है बटे में, काट लीजिए 9 एकम 9 9 चौक 36 40, x की वैल्यू दोस्तों 40 आ गई। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या था, 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, तो क्या लिखोगे, अतः 50 पैसे के कुल सिक्के बराबर कहां से आएगा, 50 पैसे थैली में 50 पैसे के आपने सिक्के कितने माने 3x माने, 50 पैसे के 3x माने, और x की वैल्यू कितनी 40, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू कितना 40, भाई आपने क्या माना 3x माना, तो 3 रख लिया और x की वैल्यू 40, तो 3 इंटू 40 कितना 3 चक्कू 12 यानी कि 120 सिक्के होंगे। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया, क्या अतः 50 थैली में 50 पैसे के कुल सिक्के बराबर 120, ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर आ चुका। जब दोस्तों यही पूछता थैली में 1 रुपए कितने सिक्के हैं, तो दोस्तों क्या x से 40 रखते 80 मिल जाते, जब थैली में पूछता 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, तो यहां कितना 4 और गूढ़े कितना 40, 4 चक्कू 16 160 हो जाता। यदि 50 पैसे की जगह पूछ लेता कुल 1 रुपए के सिक्के 25 पैसे के सिक्के, तो निकाल लेते ना, बस वैल्यू पुट करनी है कि नहीं, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए तो मैंने दोस्तों इसलिए इतना समय लिया जिससे आप इसको अच्छे समझ पाए, ये नहीं दिख रहा है इसको थोड़ा बढ़ा के इधर और लिख ले रहा हूं 3 × 40। अगला दोस्तों क्वेश्चन पर संख्या 47, ध्यान से देखिए 47 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 1:4:4 के सिक्के 1:4:4 के अनुपात में रखे, ये थैली में कुल 200 रुपए हो, कितने 200 रुपए, तो एक रुपए तथा 25 पैसे, तो 1 रुपए तथा 25 पैसे के सिक्कों, तो 1 रुपए तथा 25 पैसे के सिक्के कितने, 1 रुपए तथा 25 पैसे के कितने सिक्के के, अरे लिख चुका के 1 रुपए तथा 25 पैसे के 1 रुपए तथा 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला 48 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये भी दोस्तों बहुत ही आसान है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, यहां देखिए थोड़ा यहां चेंज कर रहे हैं प्रश्न को, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे कामा 25 पैसे व 10 पैसे के सिक्के 8:5 के सिक्के 6:8:10:15 के अनुपात में रखे गए हैं, थैली में कुल 126 रुपए हैं, 126 रुपए हैं, तो 1 रुपए तथा 10 पैसे
के कितने सिक्के होंगे, आपसे चाहे पूछे 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, किसी की पूछे। दोस्तों सेम प्रोसेस इसमें भी करना होगा, करना क्या होगा, यहां तो कर ही लेंगे, बस 10 पैसे हैं तो जो भी माने कितना, 10 पैसे कितने 15x है, तो 15x को 10 से भाग करेंगे, क्योंकि 10 एक भाई 1 रुपए में 100 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में कितना 100 पैसे होते हैं, और 10 पैसे हैं इसे 10 से भाग करेंगे तो कितना 0 से 0 कट गया, 10 ही तो बचेगा, यानी कि जो 15x 10 पैसे के थैले में 10 पैसे के सिक्के वाला 15x होंगे, 15x को आप 10 से भाग करेंगे, तो यहां जो जोड़ेंगे 15x को 10 से भाग कर लेंगे, बाकी सेम करेंगे 126 उसके बराबर कर देंगे। इस प्रश्न का भी उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर दोस्तों शेयर करते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।